close till I get up. Time is barely. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं वापस से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो है हमारी वर्ब्स की, जो हमारे वर्ब्स की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म्स, तो उनके होने के लिए हमारे पास कई सारी वर्ब्स होती है, कई सारी उनके रूप हैं। लेकिन हमारे जो डेली काम में आती है, डेली रूटीन में जो हमारे वर्ब्स काम में आती है, तो मैं उन्हीं वर्ब्स की एक लिस्ट लेकर गया हूँ, जिसमें 100 वर्ब्स को मैंने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। सेकेंड फॉर्म हमारी पास्ट फॉर्म कहलाती है, और थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो फर्स्ट है इसको बोलेंगे सी ओ एम ई, कम, कैम, कम। गाइज, प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण का आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। कम मीन्स आना, तो कम। सेकेंड फॉर्म कैम और थर्ड फॉर्म कम। सेकेंड है हमारा गो, मीन्स जाना, बेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। ठीक है, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, और ईट मीन्स खाना। तो ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक मीन्स पीना। नेक्स्ट है हमारा टैक, मीन्स लेना, तो टैक, टुक, टैकन। टैक, टुक, टैकन। नेक्स्ट वर्ड गिव, गैव, गिवन। गिव मीन्स देना, तो गिव, गैव, गिवन। लाफ मीन्स हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। नेक्स्ट वर्ड वीप, wept, wept, weep, wept, wept, cry, cried, cried। गाइस यहाँ ध्यान दें, cry means रोना भी होता है, cry means चिल्लाना भी होता है। ठीक है, तो weep means भी रोना, तो weep, wept, wept, cry, cried, cried। यहाँ देखिए y को हटा करके ied कर दिया है। ठीक है, cry, cried, cried। next sleep, slept, slept, sleep, slept, slept। awake, awoke, awoken। awake, awoke, awoken। next word read means padna, read, 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 read। teach means padhana, teach, taught, taught, teach, taught, taught। see, saw, seen। see means देखना, see, saw, seen। watch means भी देखना होता है, watch, watched, watched, watch, watched, watched। guys, watch का जो use है ये especially अपने TV serial या TV से संबंधित जो programs वगैरह, movie, pictures वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर watch का use करते हैं। I'm watching द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो इस तरीके से वॉच की जो मीनिंग्स है, वॉच की जो वर्ब्स है, वो हमारे टीवी प्रोग्राम्स, पिक्चर, मूवी वगैरह देखने के लिए यूज होती है। तो वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। नेक्स्ट ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट वाई, वॉट, वॉट, वाई, वॉट, वॉट। अब यहाँ ध्यान दें, ब्रिंग वाले की सेकेंड फॉर्म में देखिए बी आर ओ यू जी एच टी है, बी आर ओ यू जी एच टी। और यहाँ पे ध्यान दें, आर हट गया, बी ओ यू जी एच टी। तो इसका आपको डिफरेंस याद रखना है। तो ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट, वाई वॉट, वॉट। नेक्स्ट है हमारा सेल, सॉल्ड, सॉल्ड, सेल, सॉल्ड, सॉल्ड। नेक्स्ट सिंग, सेंग, संग। सिंग मीन्स गाना, सिंग, सेंग, संग। नेक्स्ट राइट, रॉट, रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न। प्ले मीन्स खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। कुक मीन्स पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। नेक्स्ट किल मीन्स मारना, किल, किल्ड, killed, kill, killed, killed। next word die, died, died,
डाई मीन्स मरना। नेक्स्ट हमारा स्विम मीन्स तैरना, तो स्विम, स्वाम, स्वम, स्विम, स्वाम, स्वम। नेक्स्ट हमारा सेंड, भेजना, सेंड, सेकंड फॉर्म सेंट और सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। नो, न्यू, नॉन, नो, न्यू, नॉन। नो मीन्स जानना। नेक्स्ट है हमारा से, सैड, सैड, से मीन्स कहना, से, सैड, सैड। टेल मीन्स बताना या कहना, तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क पूछना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। नेक्स्ट वर्ड वॉश मीन्स धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। नेक्स्ट वर्ड ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड। ओपन मीन्स खोलना, शर्ट, शर्ट मीन्स बंद करना, तो शर्ट, शर्ट, शर्ट। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं, शर्ट, शर्ट, शर्ट। नेक्स्ट हमारा क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। क्लोज मीन्स बंद करना, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। नेक्स्ट लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। गाइस इसको लॉस नहीं कहते हैं, इसको लूज बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को। मैंने आपको ये अभी इससे पिछले वाली जो प्रीवियस वीडियोस थी मेरी, उसमें मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके बताया था, उस समय इसको लूज बोलते हैं। ठीक है, एक होता है लूज जिसका मतलब होता है ढीला। ठीक है, ये है अपना लूज, लूज मीन्स होता है खोना या हारना, दो अर्थ होते हैं इसके, तो दोनों मैंने बता दिए। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड फाइंड यानी पाना, तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। सिट, सैट, सैट, सिट, सैट, सैट। सिट मीन्स क्या होता है, बैठना। नेक्स्ट स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। नेक्स्ट वर्ड विन, वॉन, वॉन। विन मीन्स जीतना, तो विन, वॉन, वॉन। नेक्स्ट वर्ड रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, तो रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। नेक्स्ट वर्ड लर्न, लर्नट, लर्नट, लर्न, लर्नट, लर्नट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए लर्न की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो गई। नेक्स्ट हमारा, तो लर्न यानी क्या होता है, याद करना भी होता है और सीखना भी होता है, दोनों इसके जो हिंदी मीनिंग्स है वो याद रख लें आप। नेक्स्ट हमारा फॉरगेट मीन्स भूलना, याद करना हो गया, तो इसका एक तरीके से मैंने एक क्रम बना रखा है इनका गाइज। तो फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फॉरगॉट, तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। नेक्स्ट वर्ड हियर, हर्ड, हर्ड, हियर मीन्स होता है सुनना, तो हियर, हर्ड, हर्ड। लिसन मीन्स भी सुनना होता है, लिसन, लिसन, लिसनड, लिसन, लिसनड, लिसनड। नेक्स्ट है हमारा अराइव, अराइव मीन्स होता है पहुंचना या आगमन होना, पहुंचना या आगमन होना, तो अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। नेक्स्ट है हमारा रिच, रिच मीन्स क्या होता है, पहुंचना, तो रिच, रिच्ड, रिच्ड, रिच, रिच्ड, रिच्ड। नेक्स्ट वर्ड गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, तो गेट, गॉट। अब इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है गेट की, वो दो होती है, गेट, गॉट, गॉट भी होती है थर्ड फॉर्म, और गॉटन भी होती है। तो आप गाइस कोई सा भी आप लोग याद रख लें, बट दोनों मैंने बता दिए, तो गेट, गॉट, गॉट या फिर गॉटन, थर्ड फॉर्म में ही आ जाएगा। प्राप्त करना इसका हिंदी मीनिंग्स होता है। नेक्स्ट हमारा रिसीव, रिसीव मीन्स भी प्राप्त करना ही होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसकी, तो रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। नेक्स्ट वर्ड कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म कॉट, ध्यान दें इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या बोल रहा हूँ मैं, कैच, कॉट,
caught, catch, caught, caught. Next word हमारा leave. Leave means होता है छोड़ना. तो leave की second और third form same. तो leave, left, left. Leave, left, left. Next word love. Love means होता है प्रेम करना. तो love, loved, loved. Love, loved, loved. Next word hate means नफरत करना, घृणा करना. तो hate, hated, hated. Hate, hated, hated. Next word हमारा complete. Complete means क्या होता है, पूरा करना या समाप्त करना. तो क्या बनेगा इसका, complete, completed, completed. Complete, completed, completed. Next है हमारा finish. Finish means भी पूरा करना है, समाप्त करना. मैंने अपना homework finish कर लिया है, पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, ठीक है. तो finish, finished, finished. Finish, finished, finished. Next word speak, यानी बोलना. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Next हमारा throw, threw, thrown. Throw means होता है फेंकना. तो throw, threw, thrown. Next save means बचाना. Save, saved, saved. Save, saved, saved. Next हमारा smile, यानी मुस्कुराना. तो smile, smiled, smiled. Smile, smiled, smiled. Next word हमारा make means होता है बनाना. तो make, made, made. Make, made, made. Next word break. Break means होता है तोड़ना. तो break means तोड़ना, second form हो जाएगी इसकी broke. तो break, broke, broken. Break, broke, broken. Next हमारा pluck. तो ब्रेक मीन्स भी तोड़ना, प्लक मीन्स भी तोड़ना. स्पेशली मैंने देखी ग्रीन कलर में आप लिखा दिया फूल पत्ती, पेड़ से संबंधित कोई भी कुछ तोड़ते हैं, ब्रांचेस, शाखा वगैरह, फूल पत्ती. तो उसके लिए हम लोग प्लक मीनिंग यूज करते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है. तो प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड. प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड. नेक्स्ट हमारा डू, डिड, डन. डू मीन्स क्या होता है, करना. तो डू, डिड, डन. डू, डिड, डन. नेक्स्ट वर्ड थिंक, यानी सोचना. थिंक, थॉट, थॉट. थिंक, थॉट, थॉट. फाइट यानी लड़ना. फाइट, फॉट, फॉट. इसको फाउट भी बोल सकते हैं, लेकिन सही जो इसका प्रोनंसिएशन उच्चारण वो है इसका फॉट. तो फाइट, फॉट, फॉट. नेक्स्ट है हमारा कीप. कीप मीन्स रखना. तो कीप, कैप्ट, कैप्ट. कीप, कैप्ट, कैप्ट. नेक्स्ट हमारा पुट. पुट मीन्स भी रखना होता है. पुट, पुट, पुट. तो पुट के ये तीनों फॉर्म सेम है, बस ये ध्यान रखें कीप मीन्स भी रखना और पुट मीन्स भी रखना. नेक्स्ट फ्लाई मीन्स उड़ना. तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. नेक्स्ट है हमारा कट. कट मीन्स काटना. तो कट, कट, कट. इसकी तीनों सेम होती है, एक और होती है गाइज मैंने यहाँ पे दी नहीं है. वाइट और होती है काटने की मीनिंग. बी आई टी ई, वाइट. वाइट मीन्स भी होता है काटना, बट उसका मैं अगर सही अर्थ में बोलूँ तो दांतों से काटना, ठीक है. वाइट का यूज़ होता है दांतों से. अब जब हम लोग कुछ चीज़ काटते हैं तो उसके लिए हम लोग वाइट मीनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना अभी फिलहाल कट के लिए. तो कट, कट, कट. नेक्स्ट हमारा वेट. वेटेड, वेटेड. तो वेट, वेटेड, वेटेड. वेट मीन्स इंतजार करना. नेक्स्ट हमारा बिकम. बिकम मीन्स बनना या हो जाना. आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर. बिकम मीन्स बनना भी होता है और हो जाना भी होता है. तो सेकेंड फॉर्म विकम, विकैम, विकम, ठीक है. विकम, विकैम, विकम. नेक्स्ट वर्ड यूज, यूज्ड, यूज्ड. तो यूज मीन्स होता है उपयोग करना. तो यूज, यूज्ड, यूज्ड. नेक्स्ट हमारा क्लीन. क्लीन मीन्स होता है साफ करना. तो क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. क्लीन, क्लीन्ड, cleaned. Next हमारा like. Like means होता है पसंद करना. क्या बनेगा इसका second third? Liked, liked. तो like, liked, liked. Next word advice. Advice means होती है सलाह देना. Guys ध्यान दें, अगर A D B I C E O क्या S की जगह C हो तो वो एक उसको हम लोग फिर verb नहीं बोलेंगे. Advice means होती है सलाह, केवल सलाह. और जब S आ जाता है तब इसका ये as a verb use होती है. Advice means सलाह देना. सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ डीजल लगा देना इसमें. तो एडवाइस, एडवाइज, एडवाइज्ड. एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. नेक्स्ट वर्ड
सी ए डबल एल कॉल, कॉल मीन्स होता है बुलाना, तो कॉल कॉल्ड कॉल्ड कॉल कॉल्ड कॉल्ड। नेक्स्ट हमारा टी ए एल के टॉक, गाइस ध्यान दें 77 और 78 वाली वर्ब में एल साइलेंट रहेगा, एल का मैं उच्चारण नहीं करूंगा, इसका उच्चारण नहीं होता है, तो एल साइलेंट। तो टॉक नॉट टॉल्क, क्या बोलोगे, टॉक मीन्स बातें करना, तो टॉक टॉक्ड टॉक्ड टॉक टॉक्ड टॉक्ड। नेक्स्ट हमारा वॉक नॉट वॉल्क, वॉक मीन्स चलना, तो वॉक वॉक्ड वॉक्ड वॉक वॉक्ड वॉक्ड। नेक्स्ट हमारा वांट, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, तो वांट वांटेड वांटेड वांट वांटेड वांटेड। नेक्स्ट वर्ड मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, तो मीट मैट मैट मीट मैट मैट। नेक्स्ट वर्ड रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट वाला किस तरीके से, तो रिक्वेस्ट की बनेगी आप, रिक्वेस्ट यानी होता है निवेदन करना या प्रार्थना करना, निवेदन करना या प्रार्थना करना, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्टेड कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना, तो देखिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण का ध्यान दें, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट हमारा रिटर्न, रिटर्न यानी होता है लौटना या वापसी करना, तो रिटर्न रिटर्न्ड रिटर्न्ड रिटर्न रिटर्न्ड रिटर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुकना और स्टॉप मीन्स रोकना, ठीक है। स्टॉप का क्या बनेगा, पी का लास्ट वाला जो हमारा अक्षर है इसको डबल कर देना है, पी को डबल कर देना, तो स्टॉप्ड स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट है रन, रन मीन्स दौड़ना, रैन और रन, तो रन रैन रन। नेक्स्ट स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है आरंभ करना शुरू करना, तो स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। नेक्स्ट है विगिन, विगिन मीन्स होता है शुरू करना वही आरंभ करना, तो विगिन विगैन विगन विगिन विगैन विगन। नेक्स्ट वर्ड विल्ड, वी यू आई एल डी विल्ड, विल्ड मीन्स होता है निर्माण करना करना बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा विल्ड मीन्स निर्माण करना, तो विल्ड विल्ट विल्ट विल्ड विल्ट विल्ट। नेक्स्ट वॉरो, वॉरो मीन्स होता है उधार लेना, तो वॉरो वॉरोड वॉरोड वॉरो वॉरोड वॉरोड। नेक्स्ट वर्ड लैंड, लैंड मीन्स होता है उधार देना, वॉरो मीन्स उधार लेना और लैंड मीन्स उधार देना, तो लैंड लेंट लेंट लैंड लेंट लेंट। नेक्स्ट वर्ड अर्न, अर्न मीन्स होता है कमाना, तो अर्न अर्नड अर्नड अर्न अर्नड अर्नड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, तो स्पेंड स्पेंट स्पेंट स्पेंड स्पेंट स्पेंट। नेक्स्ट हमारा वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, तो वियर वॉर वॉर्न वियर वॉर वॉर्न। नेक्स्ट वर्ड लुक, लुक मीन्स होता है देखना, तो लुक लुक्ड लुक्ड लुक लुक्ड लुक्ड। नेक्स्ट वर्ड फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल फैल फॉलन फॉल फैल फॉलन। नेक्स्ट वर्ड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, तो अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड शो, शो मीन्स होता है दिखाना, शो मीन्स दिखाना, तो शो शोड शोड शो शोड शोड। नेक्स्ट वर्ड रिंग, रिंग मीन्स होता है बजना या बजाना, तो रिंग रैंग रंग रिंग रैंग रंग। नेक्स्ट वर्ड सर्व, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, सर्व मीन्स होता है परोसना, तो सर्व सर्वड सर्वड सर्व सर्वड सर्वड। नेक्स्ट हमारा चूज, चूज चोस और चोजन, चूज चोस चोजन। नेक्स्ट हमारा वीट, वीट विटन, वीट मीन्स होता है पीटना, तो वीट वीट विटन। ओके फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की ये लगभग मैंने 100 वर्ब्स आप लोगों के लिए लेकर के आया था, और यदि आप लोग चाहें तो इसका मैं PDF जो लिंक है, ये प्रिंटिंग है इसकी, तो इसको मैं PDF लिंक बना करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे क्या है आप देख लेना, PDF
डाउनलोड कर लेना उस लिंक से आपको ये पूरी प्रिंटिंग, क्योंकि इसको बनाने में मेरे को गाइड बहुत मेहनत लगी है, एक एक अक्षर को मैंने एक क्रम जमा करके इनको मैंने 100 वर्ब्स को सेट किया है। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। गाइज मैं अब इंग्लिश स्पोकन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।